देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन बात करेंगे पनामा लीक्स के हवाले से। केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है, अहम डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने तफसील तलब कर ली है मियां शरीफ साहब की विल के हवाले से। उनकी क्या नसीहत थी, उन्होंने विल के अंदर किसको क्या दिया था, बंटवारा कैसे हुआ जायदाद का, ये अब शरीफ खानदान को सुप्रीम कोर्ट में भी बताना पड़ेगा। एक जो सरफेस के ऊपर सवाल फ्लोट कर रहा है इस हवाले से, वो ये है कि मियां शहबाज शरीफ जो कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साहबजादे सलमान शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू में हाल ही में कहा कि 2007 में जायदाद का बंटवारा हुआ था और उस बंटवारे में तीनों भाइयों के दरमियान, अब्बास शरीफ साहब के दरमियान, नवाज शरीफ साहब के दरमियान और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान ये डिसाइड हुआ था कि कौन सी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी। उनका कहना था कि हम मुल्क के अंदर बिजनेस के में इंटरेस्टेड थे, हमने वो ले लिया, मुल्क के बाहर जो बिजनेस में इंटरेस्टेड थे उन्होंने मुल्क से बाहर बिजनेस किया, जिसकी वजह से आज पनामा वाली जो इल्जामात हैं हमारे पर नहीं है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की फैमिली पर हैं। अगर ये मामलात हैं, 2007 में बंटवारा होता है तो दुबई के अंदर जो मिल कायम हुई और जिसका पैसा मियां शरीफ साहब ने हुसैन नवाज साहब को दिया, क्या वो अलहदा पैसा था, वो बंटवारे से पहले की बात थी, वो मनी ट्रेल जो है, जो अदालत जिसकी बात मांग रही है, वो बंटवारा होने से पहले की ही बात थी। ये तमाम तर और भी मामलात हैं जो हम जेर बहस आज की गुफ्तगू में लाएंगे। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराए देता हूं। हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर जफर अली शाह साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। उनके साथ तशरीफ रखते हैं बैरिस्टर शुएब रजाक साहब, हमारे कानून, थैंक यू वेरी मच। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मियां महमूदुर रशीद साहब, अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असेंबली में, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। डॉक्टर इकरामुल हक साहब मायरे कानून है, हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं। आप डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आप हमें बता सकते हैं जो आज की डेवलपमेंट है उससे कुछ चीजों की वजाहत होगी, क्योंकि 2007 में अगर शहबाज शरीफ साहब के बेटे कहते हैं बंटवारा हुआ तो जो दुबई के अंदर मिल बेची गई वो डायरेक्टली हुसैन नवाज साहब को पैसे दे दिए, तो कुछ चीजों के अंदर क्लैरिटी आएगी आपके ख्याल में? जी, बुनियादी नुक्ता जो था वो आज वाजे हुआ कि एक तरफ तो उन्होंने फरमाया कि हम बेनिफिशियल ओनर नहीं हैं, क्योंकि आज जो केस चल रहा था वो दरअसल मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा के काउंसिल पेश कर रहे थे उनका दिफा जी। और दूसरी तरफ वो खुद कहते हैं कि मैं इसकी ट्रस्टी थी, और तीसरी तरफ उन्होंने 2011 के इंटरव्यू में फरमाया था कि मेरी जो है वो बाहर तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है जी। अब कोर्ट ने वो जो मुख्तलिफ कड़ियां हैं उसको जोड़ते हुए ये कहा है कि अगर ये चेन कहीं ना टूटे तो बाकी हम लिंक्स खुद जोड़ लेंगे। और उससे जो बुनियादी आपने अभी फरमा रहे थे कि अभी जो सलमान शहबाज साहब की ये बात सामने आई, ये कोई ऐसी नई बात नहीं थी, क्योंकि इसको गल्फ न्यूज में हमने भी एक आर्टिकल में जिक्र किया कि लाइफ टाइम में मियां शरीफ मरहूम ने दरअसल तकसीम कर दी थी। और ये अपार्टमेंट्स तो आपको याद होगा 95-96 में उदैबिया पेपर मिल के जरिए दरअसल ग्रंटर्स के तौर पर जो अल्तफीक इन्वेस्टमेंट था उसमें रखवाए गए थे, और एक लोन डिफॉल्ट होने की शक्ल में उन्होंने क्वींस बेंच के सामने इनके हवाला जात देकर दरअसल इनके एक खिलाफ एक ऑर्डर भी ले लिया था कि इन प्रॉपर्टीज को अटैच कर दिया किया जाए जी। तो इसका बिल्कुल जाहिर है कि ये तीनों जो फ्लैट्स थे, ये चार जो थे उनमें से तीन तो बाहर कैफ उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की नजर में थे। अब ये कड़ियां मिलनी शुरू हो गई हैं कि बहुत पहले से ही दरअसल बाहर इन्वेस्टमेंट कर दी गई थी, और ना सिर्फ बाहर इन्वेस्टमेंट कर दी गई थी बल्कि उस इन्वेस्टमेंट के जरिए पाकिस्तानी कंपनियों के लिए भी लोन लिए गए थे। और जैसे जैसे ये मामलात और सामने आएंगे ये बात बिल्कुल वाजे हो जाएगी कि दरअसल शरीफ खानदान के, क्योंकि हाउस ऑफ शरीफ उस वक्त बना जब उन्होंने इत्तेफाक ग्रुप को डिसमेंटल करके सारी प्रॉपर्टी जो थी भाइयों से लेकर तो एक ही मियां शरीफ मरहूम के पास जो शरीफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की शक्ल में आ गया, और इनकी बहुत सी जायदाद और बहुत से कारोबारी इंटरेस्ट बाहर थे।
तो उसका पाकिस्तान के टैक्स डेक्लेरेशंस में मैंने पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज किया था कि कोई दूर दूर तक तस्करा नहीं मिलता, जो एक बहुत ही हैरान कुर बात है। तो ये आप ये कौन से ईयर के अंदर ये हो गया था जो आप हमें बता रहे हैं? जी दरअसल ये 99 का अगर आप 16 मार्च का ऑर्डर देखें तो क्वींस बेंच ने इन तीनों का जिक्र किया था, और दरअसल जो आपस में तकसीम थी वो उसकी वजह गल्फ न्यूज ये बताता है कि जैसे ही शहबाज शरीफ साहब ने तमीना से शादी की तो बड़े मियां साहब ने कहा कि उन्होंने कुछ नाराजगी का इजहार फरमाया और उसके बाद कहा कि अब जायदाद की तकसीम मेरी लाइफ टाइम में ही हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये जो सलमान शहबाज साहब कह रहे हैं 2007 में एक एग्रीमेंट हुआ और उसके तहत किस भाई को क्या मिलना है वो डिटरमिन हुआ, तो वो आपस में मुआहदा था, विल पहले आई होगी, कुछ इसके अंदर मुझे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग लगते हैं ये दोनों क्लेम्स। जी फैमिली सेटलमेंट जो है वो तो बात के असासों से पता चलता है कि जैसे रमजान शुगर जो थी वो शहबाज साहब की खानदान के पास चली गई और जो चौधरी शुगर मिल थी वो इनके पास आ गई, और जो बाहर के असासे थे अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ साहब के असासों में बाहर के लंदन के आपको अपार्टमेंट नजर आएगी जायदाद, और उन्होंने किसी ऑफशोर को इस्तेमाल नहीं किया, इस तरफ जो है वो ऑफशोर का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, मैं मियां महमूदुर रशीद साहब आपके सामने ये प्रोपोजिशन रखना चाहता हूँ कि अगर विल का अभी तक हमें नहीं पता कि वो कौन सी तारीख को उन्होंने अपनी वसीयत छोड़ी मियां शरीफ साहब ने और उसके तहत कब क्या बंटवारा हुआ, लेकिन सलमान शहबाज साहब कहते हैं 2007 में बंटवारा हुआ किसको क्या मिलेगा, तो जो इन्वेस्टमेंट की जा रही थी दुबई की मिल बेचकर पैसा लगाया जा रहा था, इसका मतलब है वो एक्सक्लूसिवली मियां शरीफ साहब ने अपनी जिंदगी के अंदर ही हुसैन नवाज साहब को खाली दे दी थी। खाला जी इसमें तो एक कंट्राडिक्शन तो सामने आ गई ना, ये सलमान शहबाज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पहले तो ये तासर दिया गया था, बल्कि हुसैन नवाज के बारे में ये कहा गया था नहीं थी, मियां साहब उनके ग्रैंड फादर ने सब कुछ उन्हें दे दिया। जी बिल्कुल, तो ग्रैंड फादर ने सब कुछ जो है वो हुसैन नवाज को दे दिया, जो कतरी शहजादे का खत है जी उसके अंदर भी जो मेन एम्फेसिस है वो इसी बात पे है कि मियां शरीफ साहब की जितनी भी दौलत थी जो उन्होंने इन्वेस्ट की थी वो सारी उनकी विल के मुताबिक हुसैन नवाज को दे दी। अब ये बड़ा दिलचस्प बात हुई है सलमान शहबाज के इस एतराफ के बाद कि नहीं जी हमारे जो ग्रैंड फादर की प्रॉपर्टी थी वो तो इक्वली डिवाइड हुई है तीनों भाइयों के अंदर, उसका बाकायदा हमारे पास एक एग्रीमेंट मौजूद है जी। तो ये मेरा ख्याल है कि इसमें भी आपस में तजाद जो है वो सामने आएगा। ठीक है, ये जो अब तक का तासर था या ये बात की जा रही थी कि बाहर जितनी इन्वेस्टमेंट थी वो हुसैन नवाज को दे दी गई है अकेले को, ये अब उससे सलमान शहबाज के इस एतराफ के बाद उसकी नफी होती है और ये सारी चीजें नए तरह से अब सामने आएंगी, खास तौर पर अगर मियां शरीफ साहब की विल अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो तलब करती है तो उससे काफी जो है हकायक वो सामने आएंगे। मामला असल ये नहीं है जी, मामला असल मेरे नजदीक तो ये है कि ये जो अपार्टमेंट्स हैं जिनके बारे में मरियम नवाज साहबा ने 2011 के इंटरव्यू में कहा कि, और वो मेरे साथ इंटरव्यू में बैठी हुई थी, मैं सना बुच्चा के उस प्रोग्राम में मौजूद था, फर्स्ट टाइम मैंने ही ये इंकशाफ किया था नीलसन और नेस्कॉन का कि ये दो ऑफशोर कंपनियां हैं और मरियम नवाज इन्हें ओन करती हैं और इनकी तकरीबन हाफ डजन जो है वो प्रॉपर्टीज हैं सेंट्रल लंदन में, जिसके जवाब में उन्होंने आके ऑन एयर कहा कि मेरी तो बैरून मुल्क तो क्या, मेरी तो अंदरून मुल्क भी कोई जायदाद नहीं है और मैं तो अपने वालिद के साथ रहती हूं, ये पता नहीं कहां से बातें निकाल रहे हैं। तो आज वो नीलसन नेस्कॉन का भी साबित हो गया और इनकी जायदादें ये जो पार्क लेन के अपार्टमेंट हैं वो भी सामने आ गए और आज जो उन्होंने अपने एक दो दिनों में जवाबात दाखिल किए हैं उसके अंदर भी एतराफ मौजूद है इन प्रॉपर्टीज के बारे में। वो कहती हैं ट्रस्टी मैं हूं
बेनिफिशियल ओनर मैं नहीं हूं, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी के हवाले से एक डॉक्यूमेंट आया था जो ब्रेक किया जर्मन न्यूज़पेपर ने, उसके बाद उससे पहले बीबीसी दे चुका था, अब अल जजीरा कह रहा है लेटेस्ट अपनी खबर के अंदर कि मरियम नवाज साहिबाई बेनिफिशियल ओनर हैं नेल्सन और नेस्कॉल की, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के ये कहने के बावजूद शरीफ खानदान और मरियम सफदर साहिबा ये मेंटेन कर रही हैं कि मैं ट्रस्टी हूं, आई एम नॉट द बेनिफिशियल ओनर, और उस हवाले से वो कहते हैं हमने कागजात भी देखे। अगर कोर्ट को ये रिजॉल्व करना हो, मैं ये समझता हूं जी कि अगर ये बेनिफिशियरी नहीं है और इसकी ओल सोल ये जो ओनर नहीं है, तो आईसीआईडी ने तो एक साल पहले जब ये बात की तो इसको क्यों शो नहीं किया, क्यों कंट्राडिक्ट नहीं किया? इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, उनको पता है कि एक नया फ्रंट खुल जाएगा वहां पे। शुएब साहब हमें ये जरा बताइएगा, ये जो आज कोर्ट ने विल या वसीयत मंगवा ली है मियां शरीफ साहब की, क्या डिटरमिन करेंगे उससे? देखिए, एक तो मैं जरा मियां साहब की बात को आगे लेके चलता हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टी और बेनिफिशियल ओनर है ना जी, ट्रस्टी शी वाज नॉट अपॉइंटेड ट्रस्टी बिकॉज ऑफ हर क्वालिफिकेशन। एक होता है ना कि फॉर एग्जांपल एक बहुत इंटरनेशनल किस्म का ट्रस्ट बनता है तो जिसमें एक बहुत बड़ा लॉयर, कोई बहुत बड़ा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ट्रस्टी बन जाता है। शी वॉज अपॉइंटेड ट्रस्टी बिकॉज ऑफ हर रिलेशनशिप विद द फैमिली। अच्छा, ट्रस्टी की पावर्स क्या होती हैं? ये कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा। तो ट्रस्टी की पावर्स अभी तक डिस्कस नहीं हुई। क्यों नहीं? ट्रस्टी की पावर ये भी है कि वो ट्रस्ट के पैसे को कहां इन्वेस्ट कर सकता है। ट्रस्टी के पास ये पावर भी हो सकती है कि किस बेनिफिशियरी को कितने पैसे कितनी एज तक देने हैं। तो ट्रस्टी इज ए वेरी पावरफुल इंडिविजुअल और वो बिकॉज ऑफ हर रिलेशनशिप विद हुसैन नवाज एंड फैमिली शी वॉज अपॉइंटेड एज ए ट्रस्टी। और ट्रस्टी की मरियम नवाज साहिबा ने उस हवाले से वजाहत की है, वो कहती हैं कि हुसैन नवाज साहब की दो बीवियां हैं और हुसैन नवाज साहब को ये गुमान था कि अगर उनकी डेथ हो जाती है उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी जो है वो ठीक तरह से तकसीम ना हो तो वो उन्हें भला नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने मरियम नवाज साहिबा को ट्रस्टी बना दिया मिनर्वा की कि वो दोनों बीवियों के दरमियान जायदाद की तकसीम जो है शरीयत के मुताबिक कर सके। मेरा कहने का मकसद ये है दैट शी वाज अपॉइंटेड बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप विद हुसैन नवाज, तो रिलेशनशिप की वजह से वो शी वाज अपॉइंटेड एज ए ट्रस्टी। ठीक है, और ट्रस्ट की कोई ये नहीं बता रहा कि उस ट्रस्ट के में ट्रस्टी की पावर्स क्या है और वो पैसा इन्वेस्ट भी कर सकता है, वो ये भी बता सकता है कि किस बेनिफिशियल ओनर ने, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ये आप डिटरमिन कर लें कि शी इज नॉट ए बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, अगर वो ट्रस्टी भी हैं तो उनकी पावर तो बहुत ज्यादा है इसमें, एंड बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप विद द ब्रदर। अगर भाई की प्रॉपर्टी का जिक्र करें तो मुझे क्यों नहीं अपॉइंट किया, आपको किसी ने अपॉइंट क्यों नहीं किया, किसी इंटरनेशनल लॉ फर्म को अपॉइंट क्यों नहीं किया टू लुक आफ्टर द ट्रस्ट? ठीक है, शी वॉज अपॉइंटेड बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप, तो उसके साथ नेक्शन एक बनता है। ठीक है शाह साहब, पहले हमें यह तासुर मिल रहा था जब मियां महमूदुर रशीद साहब ने भी इस बात का जिक्र किया कि दुबई वाली फैक्ट्री जी थी वो बेच के तो मियां शरीफ साहब की वसीयत के मुताबिक वो तमाम पैसा हुसैन नवाज साहब को दे दिया गया। अब एक वसीयत के हवाले से बात हो रही है कि वो कौन सी ऐसी तफसीलन जिसके अंदर तमाम चीजें लिखी हुई हैं, और सलमान शहबाज साहब कहते हैं कि 2007 में तीनों भाइयों ने, अब्बास शरीफ साहब ने, मियां साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने, ये रिटर्न एग्रीमेंट लिया था कि कौन सी चीज किस चीज को मिलेगी। तो ये दुबई वाली फैक्ट्री उस एग्रीमेंट का तो हिस्सा नहीं होगी क्योंकि ये पहले बिक गई और ये मियां साहब की विल के मुताबिक ही हुसैन नवाज साहब को दी गई होगी, और लेकिन वो असल विल नहीं होगी जिसके अंदर तमाम तर बंटवारा होना होगा। इस पर फैसल साहब क्या ओपिनियन दिया जा सकता है? डॉक्यूमेंट उनके वसीयत उनकी और अब ये इतना बम्बल भूसा बन गया है मतलब। लेकिन एक बात ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये बेंच ये बिल्कुल नतीजे पर पहुंच चुका है, नतीजे पे पहुंच चुका है मतलब। अब सिर्फ उन्होंने पब्लिक करना है, अपना एक फाइनल कंक्लूजन देना है कि जो जो पिटीशनें हुई हैं, वरना सुप्रीम कोर्ट ऑफ मैं और अगर आप नहीं पहुंचे अभी तक, मैं अगर नहीं पता चला कि ये क्या गुंजल बन, उन्होंने सारे गुंजल जो हैं, और इसी सिलसिले पे आज ये जो आखिरी बात जो आपने की है वसीयत वाली, जी जी, और इस पे आपने अपने कमेंट्स भी दिए हैं, इसका क्या कह सकते हैं अभी जब उन्होंने मांगे जो हैं तो सामने आ गए। मैंने कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया है उसके अंदर से, आई जस्ट रेज्ड क्वेश्चंस। मैं यही याद कर रहा हूँ ना, ये आप इस पे सीधा सा जवाब इसका ये है कि कल नहीं परसों नहीं वो आ जाएगा,
और वो पता चल जाएगा, अदालत के अंदर आ जाएगा, और उससे साबित हो जाएगा कि, और उस पे आपके और प्रोग्राम चल रहे होंगे, मतलब एक आध और चल जाएगा प्रोग्राम, उससे पता चल जाएगा ना उन्होंने क्या पेश, उन्होंने फैमिली को कहा था भैया बताए मुझे ये क्या, और ठीक है वो ठीक क्वेश्चन है। ये तीन भाइयों के दरमियान, आप कानूनदान हैं, तीनों भाइयों के दरमियान प्रॉपर्टी जो है वो डिवाइड होती है, उससे पहले अगर प्रॉपर्टी हुसैन नवाज साहब को दी जाती है तो मियां शरीफ साहब पर कोई लीगल बार तो नहीं था ना कि वो पैसे दे दें अपनी फैक्ट्री बेच के हुसैन नवाज साहब को सिर्फ? अब देखें ना, इसमें जो भी बात की जाएगी वो क्यास राय के तौर पर होगी। नहीं नहीं, इसमें क्यास राय कोई नहीं है, वो कहते हैं देखने जी, अगर फैमिली प्रॉपर्टी से हटकर मियां शराब मियां बड़े मियां साहब की जो प्रॉपर्टी है मियां शरीफ साहब की, या बिजनेस का जो पूल है उनका फैमिली पूरी का, उससे हटकर अगर इंडिविजुअल तौर पर अगर किसी ने अपनी कोई कार टांगा बस या कोई चीज ले ली है तो वो तो इंडिविजुअली आएगी, वो फैमिली में तो नहीं आएगी। मतलब बिल्कुल ठीक है, इसीलिए उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये, वैसे वैसे आपने बड़ी मिसाल जो दी है वो एकदम मुझे अजीब सी इसलिए लगी जफर अली शाह साहब की, ये कार टांगा बस जो है ये अवामी चीजें हैं, ये फैक्ट्रियां हो गई, ये फ्लैट्स लंदन वाले हो गए, ये हुक्मरानों की चीजें हैं। अच्छा नहीं, मेरा बड़ा मलकियत है इसके, मेरा मतलब है उसकी जो इंडिविजुअल अगर मलकियत है किसी की खानदान के, देख रहे ये खानदान का एक कारोबार, अब उस खानदान से हटकर अगर कोई लड़का जवान या बुजुर्ग या ये कोई अपनी अलहदा कोई चीज खरीद लेता है तो वो तो ठीक ही रहेगी ना, वो तो खानदान की नहीं आएगी ना, वो खानदान की, लेकिन वो पैसे कहाँ से आए, ये सारा जो है ये इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ये आज का क्वेश्चन और ये जो करीज है वो इसीलिए। ठीक है नाजिन, मजीद एस्पेक्ट्स के ऊपर भी आज अदालत के अंदर जो उठाए गए, नाजिन मरियम नवाज साहिबा के हवाले से आज गुफ्तगू हो रही है, उनके वकील दलाइल दे रहे हैं, उनके वकील साहब का ये भी कहना था कि अगर मरियम नवाज साहिबा की प्रॉपर्टी कोई मुल्क से बाहर निकल भी आती है तो मुकदमे पे उस पर क्या फर्क पड़ता है, और साथ उनका कहना था जो अदालत ने पहले ऑब्जर्वेशन दे रखी है कि ये मुकदमा मुफादे आमा का मुकदमा है, लोगों के पब्लिक इंटरेस्ट का मुकदमा है, लोगों का मुकदमा है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा, उन्होंने कहा कि जी ये बात भी ठीक नहीं है, मरियम सफदर साहिबा जो हैं वो आम शहरी हैं, उनका उससे क्या ताल्लुक बनता है मुफादे आमा का केस का। डॉक्टर साहब जरा रोशनी डालिएगा इस एस्पेक्ट के ऊपर, मरियम नवाज साहिबा शी इज एन ऑर्डिनरी सिटीजन, बेशक मीडिया के अंदर ये खबरें गर्दिश करते रहे कि वो मीडिया सेल के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखती हैं, पार्टी के अंदर उनका एक खास मुकाम है, नेक्स्ट लीडरशिप उनके पार्टी के मेंबरान कहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा के जेरे साया होगी, उसके बावजूद अदालत विल कंसिडर हर एन ऑर्डिनरी सिटीजन। अच्छा यहाँ मामला जो है वो दूसरा है, चूंकि वजीर आजम मोहतरम के असासाजात का और उनके इलेक्शन कमीशन के रूबरू और टैक्स अथॉरिटीज के रूबरू जो उन्होंने अपने गोशवारे दाखिल किए हैं उनकी वरासती का है, तो दरअसल ये कोई नहीं कह रहा कि ये मामला मरियम नवाज शरीफ पर या मैडम सफदर साहिबा के बारे में है, दरअसल कुछ असाजात उनके नाम है, कुछ और बच्चों के नाम है, अब ये ट्रेल मालूम करना है क्योंकि पनामा लीक से ये कोर्ट के सामने तो ये मामला है कि दुनिया ने इंकशाफात बहुत से देश उसकी गद में आए जिसमें हमारी फर्स्ट जो है वो फैमिली भी आ गई है, अब उनको बिल्कुल क्लियर अपनी पोजीशन करनी है ताकि हमारी जो मुल्की और गैर मुल्की साख है दोनों बहाल हो जाए, मुल्क के अंदर भी उनको एक दुश्वारी का सामना है और बाहर भी मामला बहुत ताजा है, तो उसको खुद पे चीजें करें, इतनी कहानियां उन्होंने खुद गढ़ ली है कि अब उनसे रिकनसाइल नहीं हो रही, मेरा नहीं ख्याल था कि जब इतने पैनिक हुए कि उन्होंने आकर सबने बयान कुछ ने तो उस खबर के आने से पहले ही टीवी पे अरेंज इंटरव्यू करवाए और बड़ी उसको और अब वो सारे उनके सामने आ रहे हैं, ऐसे मामला में क्यों रहना चाहिए और जो आपकी सही हकीकत हो वो बयान करनी चाहिए, अब ना कतरी जो है मामला संभाला जा रहा है ना ये पता चल रहा है कि 93-94 में जब ये फॉर्म्स बनी थी कंपनियां ऑफशोर तो बाहर के आप कतरियों के पास अगर उनके शेयर थे भी बेरस तो इनके पास वो बेरस शेयर कब ट्रांसफर हुए, इन सब चीजों का रिकॉर्ड बीबीआई में भी मौजूद है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल अंधेर नगरी होती है, हाँ वो आपको बताते नहीं हमें तो ऐसे। डॉक्टर साहब मैं यहाँ पर रोकूंगा, कथा कलामी होगी, हमें तो ये तासुर दिया गया कि जी वो ऑफशोर कंपनियां हैं उनके बेरर सर्टिफिकेट्स हैं, वो एक बंदे से दूसरे बंदे के हाथ में पकड़ा देंगे तो वो उसकी मलकियत हो जाएगी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह पहले वाला फारिग हो गया। नहीं ऐसा नहीं होता, वो कस्टोडियन जो होता है यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ बीबीआई जो होता है उसके पास
हमेशा बेरर स्टडीज केस के भी बेनिफिशियल ओनर का नाम होता है। इसीलिए 2012 में जब ग्रिल किया गया मिनर्वा को और उनसे पूछा गया कि भाई यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का इश्यू खड़ा हो सकता है, पॉलिटिकली एक्सपोज लोग हैं, जरा बताइए, उन्होंने कहा कि शुरू दिन से आज तक इनकी बेनिफिशियल ओनर जो है, अब जैसे इनको ये पता था कि अब हम बेनिफिशियल ओनर वाली बात जो है वो तश्तस बाम जाएगी, तो उन्होंने क्या किया कि एक और ट्रस्ट डीड लिख ली ताकि कवर कर सके कि हाँ जी वो मैंने तो बहन को जो था वो उसका ट्रस्टी बनाया हुआ था। तो अगर देखिए मामला सिर्फ ये था कि आपने एक प्रॉपर्टी जो थी वो आपके नाम थी और आपने उसकी कुछ शरीयत के मुताबिक करी तो आप विल लिख लेते, विल से आपकी प्रॉपर्टी जो थी शरीयत के मुताबिक दोनों बच्चे और उसमें तकसीम हो जाती, आपको क्या जरूरत थी कि एक झूठा ट्रस्ट बनाते। ये सब अब बाहर के आपके थॉट्स हैं और मुझे नहीं लगता कि ये सारी स्टोरी में किसी किस्म की कोई हकीकत है। हकीकत वही है कि ये उन्हीं की लाइफ टाइम में खरीदे गए थे और ये सबके इलम में थे, इस पे कर्जाजात भी लिए गए थे। आज उदैबिया पेपर की अगर फाइल ही आप इनकम टैक्स से मंगवा के देख लें तो उसमें वो कागज लगे हुए हैं जहां लंदन के फ्लैट फ्लैज हुए हैं, क्योंकि जाहिर है कि जिस आईटीओ ने उदैबिया पेपर को 95678 में उसके लोन को अप्रूव किया होगा तो उसने बगैर कागजात देखे तो नहीं किया होगा ना। और कंपनी यहाँ थी, लोन जो था वो लंदन की अंदर एग्जीक्यूट हो रहा था एक कंपनी में, क्योंकि उसने ये इतराज किया था कि आप पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, कल को आप हमें पैसे नहीं देंगे, आप हमें कोई फॉरेन प्रॉपर्टी हमारे यहाँ रखवाइए तब हम आपको इतना बड़ा लोन देंगे। $34 मिलियन की अंडरस्टैंडिंग तो सबको पता है हुई थी और वो पे भी हुए। अब आप अंदाजा लगाइए कि 99 के अंदर $34 मिलियन बहुत बड़ी अमाउंट थी। सो ये मामला सारा क्लियर है और ये बड़ा मैं बिल्कुल इतफाक करता हूँ मोहतरम जफर अली शादाब से कि वो बिल्कुल कह रहे हैं कि कोर्ट नतीजे तक पहुंच चुकी है, उन्हें इसकी रूट और सीड मनी का पता है। ठीक है, अब मैं जरा महमूदुर रशीद साहब से जानना चाहूंगा। महमूदुर रशीद साहब अभी फरमा रहे थे कि मामलात बड़े क्लियर हैं और तमाम तर रिकॉर्ड होता है, ऐसा नहीं होता कि कुछ सर्टिफिकेट किसी के हाथ में थमा दिया तो वो मालिक उसका गर्दाना जाना शुरू हो जाएगा। हम ये जानना चाहते हैं कि कोर्ट के अंदर लेकिन प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये आ रही है कि वो कहते हैं कि जी ये जो मरियम नवाज साहिबा के हवाले से डॉक्यूमेंट दिया जिसके अंदर नेल्सकॉल और नेल्सन की बेनिफिशियल ओनर डिक्लेयर होती हैं जिस डॉक्यूमेंट से, उसके ऊपर आज शाहिद हामिद साहब कह रहे थे कि दस्तखत ही जाली हैं मरियम सफदर साहिबा के। देखिए ये तो मेरा ख्याल है कि चलें कोर्ट का काम है कि वो इसकी तसल्ली करे कि वो जाली हैं या असली हैं, लेकिन हर फोरम पे हर रिपोर्ट में वो BBC हो, वो जर्मन जरीदा हो, वो ICIG हो, वो ब्रिटिश वर्जन आइलैंड हो, हर जगह पे मरियम नवाज साहबा वो मिनर्वा की जो मिनर्वा जो इनकी सेक्रेटरी के तौर पर जो कंपनी काम करती है नीलसन और नेस्कॉन की देखभाल करती है जी, उसकी ओनर मरियम नवाज शरीफ साहबा ही हैं। अब भी ये मानती हैं कि मैं उसकी ट्रस्टी हूं, मैं बेनिफिशरी और उसकी ओनर नहीं हूं। तो ये चीजें तो सारी जिस तरह अभी इकराम साहब कह रहे थे कि ये तो सारा अब आफ्टर थॉट है, इसके बाद एक ट्रस्ट डीड बनाना और वो ट्रस्ट डीड जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो उस डॉक्यूमेंट की कोई हैसियत नहीं है जो इन्होंने आपस में वो ट्रस्ट एक बना लिया है हुसैन नवाज ने जी, मैं मरियम नवाज जो है ना वो ट्रस्टी होंगी, वो किसी जगह पर किसी अदारे के अंदर भी वहां इंग्लैंड के अंदर वो रजिस्टर्ड नहीं है। वो तो कहते हैं नोटराइज्ड है बाद और वो सारा नोटराइज्ड है और वो लीगल है, हम शो कर सकते हैं तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स उस हवाले से। नहीं ऑफ कोर्स मेरा नहीं ख्याल के इसमें ये सारी चीजें जो हैं वो अब तक सामने आई हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अभी बात हो रही थी कि अल तौफीक इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड जो है इंग्लैंड, उसके पास जब ये प्रॉपर्टीज अटैच होती हैं तो क्या इनकी मलकियत नहीं थी ये कि उसके बगैर ही अटैच हो गई थी? इसमें मियां शहबाज शरीफ साहब के, मियां अब्बास शरीफ और मियां शरीफ साहब के सिग्नेचर्स हैं और ये डायरेक्टर थे उस वक्त उदैबिया पेपर मिल के, $17.5 मिलियन वो मियां शहबाज शरीफ साहब ने वो वापस किए हैं, इसी तरह $14.5 मिलियन अब्बास शरीफ और मियां शरीफ साहब ने वापस किए हैं, जिसके बाद ये प्रॉपर्टी वागुजार हुई और डिटैच हुई। तो ये इतनी सारी चीजें सामने हैं, इनको जुटलाकर महज हम कतरी शहजादे के खत के ऊपर हम बैठ जाएं
तो ये तो कोई दुनिया नहीं मानेगी। ये सुप्रीम कोर्ट क्या, जो एक परसेप्शन है जो बहुत गहरी हो चुकी है दुनिया के अंदर। कतरी शहजादा वो लेटर समेत जो है वो सीन से आउट है जब जब से नए वुकला की टीम आई है। ये वो अकरम शेख साहब ने सबमिट किया था, करना भी नहीं चाह रहे थे, हामिद खान साहब ने लेके मीडिया वालों को दे दिया, सलमान भट्ट साहब ने इस किस्म का कोई लेटर नहीं दिया। ये नई टीम जो आई है वो तो बिल्कुल जिक्र ही नहीं करती है कतरी लेटर का। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब की तो सारा कुछ बेस उस कतरी शहजादे पे कर रहा है। सारी कहानी कहा कि कतरी शहजादे ने वो सारा कुछ दिया और 2006 में हमारे हिस्से में इतने पैसे आए और उसके बदले कतरी ने ये फ्लैट हमें दे दिए। तो ये अल्फ लैला की पूरी दास्तान जो है, मनी ट्रेल तो कोई पेश नहीं हो सकी, ना जमाली साहब जब चीफ जस्टिस थे, मियां नवाज शरीफ साहब के पार्लियामेंट के अंदर जब एक लंबी तकरीर करने के बाद उन्होंने कागजात लहराकर पूरी दुनिया को दिखाए कि ये उसके पूरे हिसाबात हैं। अब उसके बाद हम समझ रहे थे, पूरी दुनिया जानना चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आकर वही हिसाबात पेश कर दिए जाएंगे, लेकिन सबको इंतहाई हैरत हुई कि जब उनके वकला ने कहा जी नहीं वो तो सियासी बयान था, मनी ट्रेल तो नहीं है उनके पास। बिल्कुल ठीक, मनी ट्रेल तो कतरी शहजादे का एक खत है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि वो कतरी शहजादे के खत पे फैसला करती है या इतने सारी ठोस हकायक शफाहिद वाकयात इन सबको सामने रखती है। ठीक है रजाक साहब, ये जो सिग्नेचर्स के जाली होने का मामला अच्छा, है इशू इसलिए रेज कर रहे हैं ना, देखिए इशू इसलिए रेज कर रहे हैं, 2012 का केस है वतन पार्टी का, वो हुसैन अकानी का केस, उसकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये है कि हमने डिस्प्यूटेड फैक्ट्स पे ज्यादा तवज्जो नहीं देनी अगर वो वॉल्यूम्स के हिसाब से है। ठीक है, तो लॉयर्स क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट ए कंट्रोवर्सी कि जी ये आप हम बता रहे हैं कि जी उनके दस्तखत जाली हैं, सो दैट यू कैन गो अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू वेरीफाई एविडेंस। ठीक है, तो वो इस पे रिलाई कर रहे हैं, बार बार इशू ये कर रहे हैं कि जी फिर वो 1843 की कुछ लिमिटेशंस हैं एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कि जी आप इन्वेस्टिगेशन ऑफ एविडेंस नहीं कर सकते अगर बोथ वॉल्यूम्स में है। तो वो ये उस केस पे रिलाई करने के लिए कि जी वन पहले ये कहेंगे कि जी आप इन्वेस्टिगेट करें फिर इशू रेज करेंगे जी 1843 की एज पर, वो कहेंगे ये डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी तो वेरासिटी साबित ही नहीं हो सकी। ठीक है, और अदालत खुद मान रही है कि ये मटीरियल है, अभी तक ये शवाहिद नहीं है। अच्छा, उसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि वो इसीलिए इशू ये रेज कर रहे हैं कि अदालत ये कहे कि जी, अदालत पहले भी कह चुकी है जी मैं ट्रायल कोर्ट नहीं हूं, मैंने एविडेंस एग्जामिन नहीं कर रही, सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन 1843 के तहत ये नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में कहती है मैंने कोई एकेडमिक डिस्कशन नहीं करनी, एडमिटेड एंड प्रूवन फैक्ट्स पे मेरे पास आओ और फिर मैं उस पर कंट्रोवर्सी पे डिसीजन करूंगी। तो नई जो टीम है वो ये कर रहे हैं कि 1843 की लिमिटेशंस को टच कर रहे हैं ताकि अदालत को बाद में कह सकें देखें जी इसमें तो एविडेंस नहीं हो सकता, एविडेंस को आप चेक नहीं कर सकते हैं, ट्रायल नहीं कर सकते हैं 1843 के तहत। लेकिन 1843 का उसी केस में, वतन पार्टी के केस में सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट में यह कहा गया है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ 1843 है क्या, वो क्या कहते हैं कि जनाब आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, पॉलिसी डिसीजंस, इनको प्रमोट करने के लिए ताकि डेमोक्रेसी आए, मसावात आए, ठीक है जी, इस्लाम के मुताबिक ही सारा कुछ हो। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ 1843 जब वो खुद इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसका मैंडेट सुप्रीम कोर्ट खुद बता रही है, तो बहुत वास्ट है। अब है। वो इसको छोटे से इशू पे, क्योंकि हुसैन अकानी के केस में ये इशू था कि बहुत सारा एविडेंस को एग्जामिनेशन करना पड़ना था जो कि पाकिस्तान में नहीं था। ठीक है। तो इसको इशू बना के मरियम के साहिबा के सिग्नेचर को कहा जा रहा है, डिस्प्यूट करके फिर इस पर रिलाई किया जा रहा है। एंड सुप्रीम कोर्ट जैसे शाह साहब ने कहा इज फुली अवेयर ऑफ इट, ये टैक्टिक्स तो हमारे जैसे वकील रोज पेश करते हैं, रोज मुंह की खा के आते हैं। अच्छा, लेकिन वो 1843 वाला तो शाह साहब एक मामला है ना इंटरप्रिटेशन का, कि अगर किसी की डॉक्यूमेंट की किसी को चेक करना पड़ गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, वो तो खुद कह रहे हैं कि ये मटीरियल है अभी तक, और जब कंप्लीट जस्टिस करनी पड़ गई फिर क्या होगा शाह जी, मटेरियल को एग्जामिन करेगा, मटेरियल इसीलिए होता है ना जो एग्जामिन करने के लिए, खासकर वो मटेरियल जो बिफोर द कोर्ट हो वो एग्जामिन करने के लिए होता है ना, और वैल्यू ऑफ द मटेरियल, मतलब आपने वो कतरी की बात की है ये वो, इन सब का वैल्यू और वेट का तयन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना। तो शाह साहब, तो फिर ये क्या होगा, मतलब आम लेमैन के लिए, एक आम आदमी के लिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ,
कि एक तकड़ी के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दिए हुए कागजात डाल देगी जो मटेरियल है, दूसरी तकड़ी में वो मुस्लिम लीग नून के कागज डाल देंगे और फिर वो देख के कहेंगे कि ये ज्यादा तगड़े लग रहे हैं तो ये केस जो है इसलिए डिसमिस हो गया या इसलिए जो है ये हमने ग्रांट कर दिया ये केस? नहीं, ये जमहूरियत के लिए तो कहते हैं कि वहां पर बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। यहाँ जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ईच एंड एवरीथिंग माइन्यूटली, और वो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी में भी है और फिर उनके अपना जो एक एक सुप्रीम कोर्ट का जो एक अपना कदकाठ है तो वो उसमें उनको ये देनी है बात। वो पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया बात कर रही है, बीमार हो गए या मेरे जैसे लोग बीमार हो गए, टेंस हो गया ना जी, मतलब तो उस पर उन्होंने देनी है जजमेंट। और आपने ठीक कहा कि फरवरी के पहले हफ्ते तक कुछ ना कुछ हो जाए। आप कह रहे हैं मैंने नहीं कहा फरवरी के पहले हफ्ते, मैं क्या देता हूँ फरवरी के, आप कह रहे हैं फरवरी के पहले हफ्ते में, आपको लग रहा है रफ्तार देख के केस की एग्जैक्टली फरवरी के पहले हफ्ते तक ये केस कहीं डिसाइड होता हुआ आपको नजर आ रहा है? एग्जैक्टली। लेकिन शाह साहब मेरा सवाल वो वहीं पे ही रह गया, वो फिर वो तकड़ी के अंदर तो नहीं डाल देंगे ना दोनों कागजात को? नहीं नहीं नहीं, तकड़ी तो इसलिए सिंबल है ना सूर्य कि भैया कोई डंडी नहीं मारी जाती। ठीक है, वो उस तकड़ी में नहीं डालेंगे लेकिन कोई कोई ना कोई तरीका कार जरूर इख्तियार करेंगे उस, इसलिए डंडी मारने के लिए नहीं शाह साहब, वेरासिटी चेक करने के लिए उन कागजात की कि कौन से ठीक है कौन से ठीक नहीं है। हाँ तो वो उन्होंने करना है ना, वरना पार्टियां तो हम देते हैं, आप भी दे रहे हैं, मैं कहता हूँ ये देख लो जी, आप कहते हैं ये देख लो जी। शाह साहब मुश्किल काम है ना, देखें जब आपके मुल्क के इदारे FBR SCCP FIA NAB पुलिस इस काबिल ही ना हो कि वो कोई एविडेंस जो है कलेक्ट कर सके और सबमिट कर सके या अदालत को मदद कर सके एज एन आर्म ऑफ द कोर्ट, तो फिर बेचारा कोर्ट को फिर क्या तरीका का ख्याल है? मुमकिन है ये भी हो सकता है कि वो पाकिस्तान के इन बड़े अदारों में से किसी एक आधा अदारे को भी कुछ उनके जिम्मे भी काम पर सौंपेंगे। अच्छा लगाएं वो लगता है अचन है आम शहरी है पाकिस्तान की, इसलिए जो अदालत मुकदमे की समाप्त कर रही है जिस जुरिस्डिक्शन के तहत या जिन इख्तियारात के तहत कर रही है मरियम नवाज साहिबा का, उसमें ट्रायल नहीं हो सकता, उसमें वो मुकदमा नहीं सुना जा सकता, अदालत नहीं सुन सकती। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो पार्टी है वो क्या कहते हैं मरियम नवाज साहिबा के हवाले से, मरियम सफदर साहिबा के हवाले से, जरा देख लीजिए। मरियम नवाज का जो सिर्फ नाम और इल्जाम ये लोग लगा रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर की डिपेंडेंट है, आज वो भी अंदर साबित हो रहा है कि इन्होंने वो भी झूठा इल्जाम लगाया था क्योंकि ये मरियम नवाज से खौफ जदा है। मरियम नवाज साहिबा से खौफ ज्यादा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले। अब जरा PTI वाले क्या कहते हैं, जरा वो भी देख लीजिए कि वो मरियम नवाज साहिबा का लिंक जो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस मुकदमे में क्यों कर रहे हैं, सुनिए जरा। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि किसी के घर के खानदान की औरतों के ऊपर कोई बात करें, लेकिन ये सारा जो केस है ये सारा डिपेंड इस चीज पे करता है कि क्या मरियम असल मालिका हैं या वो ट्रस्टी हैं। अगर वो ट्रस्टी हैं तो ये ठीक कह रहे हैं, ये जो सारा केस है इनका ठीक है। अगर वो बेनिफिशरी ओनर हैं, असल मालिका हैं, तो इनका केस ख़त्म हो जाता है। असल डॉक्यूमेंट्स जो थी वो इनके पास हैं। जब मरियम नवाज ने कहा मैं ट्रस्टी हूँ तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, अभी तक उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट सामने नहीं लेके आए। अभी तक कागज ही कोई नहीं सामने लेकर आए, इमरान खान साहब कह रहे हैं, जिससे जाहिर हो सके कि मरियम नवाज साहिबा बाकायदा ट्रस्टी हैं। वो कहते हैं कि ये बेनिफिशियल ओनर है। अब मियां महमूदुर रशीद साहब, सवाल ये पैदा होता है कि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खाइफ है मरियम नवाज साहिबा से और इसीलिए आप उनको इस मुकदमे में घसीट रहे हैं? देखिए, हमने तो मरियम नवाज साहिबा को मुकदमे में नहीं घसीटा। हमारा तो नट शेल सिर्फ एक मरकजी नुकता है कि ये जो ऑफशोर कंपनियां हैं उनके जरिए से जो जायदादें लंदन में खरीदी गई हैं ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पैसों से खरीदी गई हैं। उसे हम नहीं कहते कि ये करप्शन का है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का है, ये किकबैक्स का है, ये कमीशनों का है। हम तो ये कहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने ये सारी रकम उनके पास कहाँ से आई,
ये मरियम नवाज तो बर्स बिल तस्करा बीच में आ गई है, उनके बच्चे आ गए, और जब इन सबके आपस में बयानात आए, इंटरव्यूज आए, इन्होंने टीवी पे आके, ऑन एयर आके, प्रेस और मीडिया के सामने मुतजाद किस्म के, हर एक का बयान दूसरे से जो है वो कंट्राडिक्ट कर रहा है, इससे इन तमाम शकूक व शुबात को मजीद तकवीयत पहुंची और लोगों को यकीन होने लगा कि दाल में कुछ काला है। हम तो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब क्यों रेफर करते हैं मरियम नवाज साहिबा का गैंग, वो क्या कहते हैं मरियम नवाज साहिबा का गैंग मुझे मलाइन कर रहा है, ये कहते हैं इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा का गैंग मुझे मलाइन कर रहा है, क्यों कहते हैं फिर वो? नहीं, वो इसलिए कि ये जो रोज आके जिस तरह बेसरोपा बातें कर रहे हैं, ये तलाल चौधरी और दानियाल अजीज, इन्हें शर्म भी नहीं आती कि आप जो बात कर रहे हैं, इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है, इतने ज्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड हैं कि पता नहीं क्या हो गया। भाई कोर्ट में एक केस चल रहा है, आप हौसला करें, आप गालम गलोच देना और जिस अंदाज से वो बात कर रहे हैं, इससे अंदाजा होता है कि पता इन्हें भी चल गया है कि मामला किस तरफ जा रहा है और कितना सीरियस नोयत का ये मामला है। तो वो जो कोई बातें करने से तो पीटीआई पीछे नहीं हटेगी। नहीं नहीं, तो मियां साहब, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर उन्हें पता चल गया है कि मामला कोर्ट के अंदर उनके खिलाफ जा रहा है, तो पीटीआई को अटैक करने से उन्हें क्या फायदा होगा? क्या क्या इन्फ्लुएंस अदालत होता हुआ नजर आता है? पीटीआई का सबसे बड़ा कसूर यह है कि जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में कहा कि मियां साहब ये घबराने की बात नहीं, ये चंद हफ्तों की बात है, लोग ये भूल भुला जाएंगे, और पीटीआई ने ये मामला दफन नहीं होने दिया, पीटीआई ने मैस मोबिलाइजेशन की और बहुत जद्दोजहद की इस मामले में कि इस मामले को हम जिंदा और जावेद रखेंगे और इसकी तय तक पहुंचेंगे। तो मैं ये समझता हूं यही गुस्सा है पीटीआई के ऊपर। ठीक, ये गुस्सा है उन्हें पीटीआई के, ये जरा थोड़ा सा सियासी मामला था मियां साहब से, इसकी थोड़ी सी वजाहत जरूरी थी। कोर्ट के अंदर मामलात की हम बात करना चाहते हैं। कतरी वाला लेटर अभी तक तो हमने नहीं सुना कि अभी कोर्ट हुआ है कोई, या उस स्टोरी के ऊपर रिलाय कर रहे हैं अभी तक, वो मरियम नवाज साहिबा के हवाले से टेक्निकलिटीज के ऊपर ही बात कर रहे हैं कि नहीं डिपेंडेंट नहीं है वो, फॉर्म जो था वो उसका खाना गलत था, मरियम नवाज साहिबा जो है वो यहाँ पे उनकी एक एग्रीकल्चर की प्रॉपर्टी है, टैक्स पेयर है, वगैरह वगैरह, वो इसमें नहीं जा रहे हैं कि अब मनी ट्रेल जो है वो क्या है क्या नहीं है, उनको जाना है, हुसैन नवाज साहब के वकील को जाना है, किसको जाना है? देखें, सोचा तो यही जा रहा है कि हुसैन नवाज साहब के जो वकील हैं, ही इज गोइंग टू कम अप विद द ट्रेल, मनी ट्रेल वो बताएं, वो लेके आएंगे। जहां तक मरियम साहब के वकील का ताल्लुक है, तो ही सिंपली डूइंग के जी मैं इसको एविडेंस को कंट्रोवर्शियल बना के तो उस तरफ लेके आ जाऊं, क्योंकि उनकी आज जितनी ट्राई थी उसमें सिर्फ यही बात थी कि जनाब उनके वो सिग्नेचर जो बेनिफिशियल ओनर वाले सिग्नेचर हैं वो उनके सिग्नेचर नहीं है। लेकिन साथ साथ एक और बात ये भी आ रही है कि वो इमरान खान साहब भी जो ये बाहर निकल के बात कर रहे हैं कि जी अगर वो ट्रस्टी हैं तो इनका केस ठीक है, ये भी गलत है ना। ये कैसे गलत हुआ? ये गलत इसीलिए हो गया कि ट्रस्टी को आप क्या समझ रहे हैं? ट्रस्टी किसी रिलेशन, आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता तो नहीं, यही मतलब है ना। ट्रस्टी एक ट्रस्ट का ट्रस्टी बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप बना है, कोई इंटरनेशनल प्रोफेशनल बंदा नहीं था जो किसी ट्रस्ट को रन कर रहा था। तो लेकिन ट्रस्टी कोई बेनिफिट तो नहीं ड्रॉ कर सकता ना उस पैसे से? ऑल इन ऑल होता है वो मालिक होता है, ट्रस्टी होते हैं बेनिफिट। देखिए मैं आपको एक छोटा सा बात बताऊं, जमाइमा का ट्रस्ट जो बना गया था उसकी एक शिक ये थी ट्रस्टी की कि जब वो 33 साल की हो जाएगी उसके बाद वो ट्रस्ट से पैसे ले सकेगी, अपने बाप के पैसे ले सकेगी। शी गॉट डिवोर्स एट द एज ऑफ 32, ठीक है। अगर वो डिवोर्स के बाद, अगर 33 साल के बाद डिवोर्स करती तो वो प्रॉपर्टी दूसरे मियां के साथ शेयर हो जाती, ठीक है। तो ट्रस्ट की टर्म्स, इसलिए तो नहीं डिवोर्स हुई ना जी? नहीं, आप बात नहीं समझे, डिवोर्स अगर हो गई ना तो ये प्रोविजन है, ट्रस्ट की जो प्रोविजंस होती हैं वो डिफाइन करती हैं कि ट्रस्टी है क्या। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी ट्रस्ट का हूं और उसकी पूरी प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट कर सकता हूं, उस प्रॉपर्टी के बिजनेस को ओवरलुक कर सकता हूं, बेनिफिशियरी को ये कह सकता हूं कि तुम्हें मैं सिर्फ $10,000 साल के दूंगा तुम्हारी एजुकेशन के, तो मेरा रोल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बतौर ट्रस्टी भी उन कंपनियों के अंदर। नहीं देखे ना, वो अपॉइंट, मैंने आप एक समझ नहीं रहे कि शी वॉज नॉट अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ हर प्रोफेशनल क्रूडेंशियल्स।
ठीक है, वो पॉइंट हुई थी कि हुसैन नवाज की बहन है और देखिए ना विद इन फैमिली सारा कुछ हो रहा है, ठीक है, विद इन फैमिली ऐसा हो रहा है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते लेट्स अस्यूम वो ट्रस्टी है। देखिए ना अगर वो किसी और ट्रस्ट में जिसकी वर्थ 5,000 pounds नहीं है, शी वॉज नेवर अपॉइंटेड ए ट्रस्टी, ठीक है, तो ये आप उनको अलहदा नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज शी वॉज ट्रस्टी। लेकिन पीटीआई वालों ने ये पॉइंट फ्लैग नहीं किया ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स जो आप रेस कर रहे हैं कि बहुत ही क्रिटिकल रोल है ट्रस्टी का एक कंपनी के अंदर भी, बेनिफिट भी ड्रॉ हो सकता है आप कह रहे हैं। जफर अली शाह साहब, आपने ये तो बता दिया कि मुकदमा आपको अब नजदीक नजदीक नजर आ रहा है, लेकिन किस फेज के अंदर दाखिल हो गया मुकदमा? ये वसीयत तलब कर लेना और शवाहिद कहना अदालत का कि हमें आप हमारे सामने रखते हैं, क्या शो करता है? डेंजरस जोन में दाखिल हो गया, रेड जोन में तो नहीं दाखिल हो गया, वो एक ही बात है, डेंजरस जोन के अंदर दाखिल हो गया। तो अब फरवरी के अंदर इसका फैसला हो जाएगा या पीटीआई वालों को बेनिफिट होगा या मुस्लिम लीग नून वालों को? नहीं, वो तो पता नहीं ड्रॉबैक होगा या नहीं होगा इन दोनों पार्टियों को, लेकिन डिसीजन आ जाएगा। और वो चूंकि इस केस ने देख रहे हैं एक साल तो सीधा सीधा ये इसी डिबेट में ही लग गया है, मतलब बिल्कुल ठीक, और इससे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कमेंट्स भी किए थे और मैं समझता हूँ सही कमेंट्स किए थे कि ये वो बात कर रहे थे ना राइट की, और ये 18-20 अवाम के राइट का केस है। अवाम के राइट का केस तो है, लेकिन आप क्या समझते हैं अगर मियाँ साहब को इस मुकदमे के अंदर बाल भी बेका नहीं होता तो पीटीआई को नुकसान होगा? क्या समझते हैं शाह साहब, क्योंकि आप सियासत करते रहे हैं माशाल्लाह? नहीं नहीं, सियासत आप भी कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, सियासत को समझते हैं बिल्कुल। क्या आप क्या समझ, रिपरकशंस क्या होने वाली हैं आपके ख्याल में दोनों पार्टीज के लिए? मैं तो आपको प्रोग्राम में कहा था कि ये बड़े बड़े अदारों का इम्तिहान हो रहा है, आपने तो ये भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ट्रायल के ऊपर है, तीनों पिलर एक नहीं भैया, तीनों पिलर जो है ट्रायल है, मतलब ट्रायल के ऊपर जी। अच्छा, तो आप साख सूख नहीं मुतासिर होती हुई नजर आती है आपको किसी पार्टी की इसमें? किसकी? ना नून की या पीटीआई की फैसले की सूरत में साख नहीं मुतासिर हो रही? वो इस वक्त तक भी साख तो जो मुतासिर होनी थी वो हो गई, साख जो मुतासिर होनी थी वो हो गई। नाजिन थोड़ा सा आपके लिए ये रिमाइंडर है कि जो मुकदमा किन हालात के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया था, एक तरफ बनीगाला के अंदर महाज बना हुआ था, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को पंजाब की पुलिस जो है वो रोक रही थी इस्लामाबाद आने से, उस वक्त जब तमाम लोग ये सोच रहे थे कि अब क्या होगा इस्लामाबाद में, सड़कें बंद हो जाएंगी, हमारे बच्चे स्कूल जा सकेंगे, आम मामूल का काम जारी रहेगा नहीं रहेगा, किस तरफ बाजी जो है वो जाएगी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये केस टेकअप किया था। और हो नहीं सकता कि एक पार्टी के खिलाफ अगर इसके अंदर मुकदमा आए और दूसरी पार्टी इसमें मुतासर ना हो, रेफरेंस हम 2018 के इलेक्शन का दे रहे हैं। मैं अपने तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूं, सेनेटर जफर अली शाह साहब, मियां महमूदुर रशीद साहब, बैरिस्टर शुएब रजाक साहब और डॉक्टर इकरामुल हक साहब। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।